वेलकम टू ग्रो बैक गार्डनिंग फ्रेंड्स। देखिए ये कॉस्मोस और इनको मैंने सीड्स से ग्रो किया है। सितंबर के लास्ट वीक में मैंने इनके सीड्स लगाए थे और देखिए लगभग 3 मंथ्स में ये फ्लावरिंग पर आ गए हैं और बड़े ही ब्यूटीफुल लगते हैं। ये बड़े बड़े से फ्लावर्स होते हैं इनके और ये भी काफ़ी इनके प्लांट्स भी काफ़ी टॉल होते हैं। इनमें थोड़े जल्दी फ्लावरिंग चालू हो गई है तो बड़े ईजिली आप इनको ग्रो कर सकते हैं। जुलाई से लेकर दिसंबर के मंथ तक में बड़े ईजिली ग्रो हो जाते हैं। आप इनके सीड्स को लगा के ऐसी जगह पे रखें जहाँ इनडायरेक्ट सनलाइट इनको मिलती रहे, ऐसी छावदार जगह जहाँ पे पर्याप्त रोशनी आती हो और डायरेक्ट सनलाइट ना आती हो, और सॉयल में आप नमी बना के रखें मिट्टी में। तो ये 1 वीक के अंदर, 1 हफ्ते के अंदर इनमें जर्मिनेशन हो जाती है। बहुत ही अच्छी जर्मिनेशन होती है, बहुत ही ईजी गोइंग प्लांट है, कटिंग से भी लग जाते हैं। और देखिए अभी तो मेरे पास बहुत सारे इसके प्लांट्स हैं जो अभी जिन्होंने अभी फ्लावरिंग स्टार्ट नहीं करी है, तो मैं एक बार मेरे सारे फ्लावर्स में फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी सारे प्लांट्स में तो मैं आपके साथ में इनका वीडियो शेयर करूँगा। मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से आप इसकी सॉइल तैयार करें, किस तरह से आप इनको लगाएँ और केयर करें, तो पूरा डिटेल वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और देखिए सिनरारिया और दूसरे प्लांट्स भी मेरे फ्लावरिंग पे आने वाले हैं, स्टॉक वगैरह, तो मैं सबका वीडियो आप लोग से शेयर करता रहूँगा। फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।